सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। सो टुडे वी आर गोइंग टू शूट अ वीडियो। ये वीडियो बिल्कुल डिफरेंट होगी बाकी वीडियो से, इसमें कोई वर्कआउट इंक्लूडेड नहीं होगा। ये वीडियो हम शूट करने लगे हैं, रेसिपी वीडियो होगी ये, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हेल्दी चिकन पास्ता कैसे बनेगा। ये एक तो बल्किंग के लिए बहुत अच्छा पास्ता रहेगा और इससे रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी आएंगे आपको, और मैक्रो फ्रेंडली भी होगा। आप इसको अपने अपने डाइट के हिसाब से आप इसको अपना वो कर सकते हो, फ्लक्चुएट कर सकते हो इसमें मैक्रोस अपने। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं चिकन पास्ता की। तो सबसे पहले ये है चिकन ब्रेस्ट है 150 ग्राम्स। मैंने इसको ज़्यादा बड़े नहीं, ज़्यादा छोटे नहीं पीसेस में किया होगा, छोटे छोटे पीसेस में। सो उसमें जाएगा मैरिनेशन का, सबसे पहले जाएगा सॉल्ट, हल्दी और ये क्या बोलते हैं इसको, चिली पाउडर, और इसमें थोड़ा सा जाएगा ये चिकन मसाला। एंड मैंने इसके साथ चॉप करूँगा वेजीज में, थोड़े से मशरूम्स हैं और थोड़े से कॉर्न है। सो और जो पास्ता मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये वाला है, ये उल्टा पैकेट है, एक सेकेंड, दिस वन। ये एक्चुअली वो प्रोटीन रिच पास्ता है, इसका प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है बाकियों से, और इसमें वो भी नहीं है, ये रिफाइंड फ्लोर से नहीं बना हुआ है, इससे बना हुआ है सेमोलिना से। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द पास्ता। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैरिनेशन। ये थोड़ा सा इसमें जाएगा सॉल्ट, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा, थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ी सी हल्दी, ट्यूमरिक, थोड़ा सा टेस्ट के लिए थोड़ा सा गाइस सैनिटाइज है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सोचो कि मुंह में डाल लिया ये है वो है। थोड़ा सा चिकन मसाला एंड गाइस, बहुत लोगों का वहम है कि हमने अगर बॉडी बनानी है या अगर हमें अच्छे गेंस चाहिए तो हमें बॉइल्ड खाना खाना पड़ेगा या कुछ भी, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके मैक्रोस में फिट हो रहा है तो आप थोड़ा बहुत, अगर आपके मैक्रोस के हिसाब से आप फूड खा रहे हो तो आप थोड़ा बहुत मसाले भी खा सकते हो, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खा रहे हो, लेकिन आप थोड़े बहुत मसाले भी अपने खाने में डाल सकते हो ताकि टेस्ट बर्ड्स को आपके थोड़ा सा रिलीफ रहे। तो जैसे कि आप देख सकते हो चिकन मैरिनेटेड है और मैंने पास्ता पहले ही बॉइल करके रखा। सो अब हम वो करेंगे, वेजी स्टॉक करेंगे। इसको हमने बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा नहीं, मीडियम। सो द पैन इज रेडी, इसमें हम डालेंगे ये हमारा घी, घी बोल लो कुछ भी बोल लो, थोड़ा सा घी ताकि हम इसमें वो कर पाए अपना चिकन थोड़ा सा कुक कर पाए, सॉटे कर ले। सब्जियां आ गई हैं दिख रहा है, इस पे हम डाल देंगे अपना चिकन। पहले इसको थोड़ा सा हम गरम, अब हम इसको 2 से 3 मिनट हम कुक होने देंगे, फिर हम इसको फ्लिप कर देंगे और फिर हम बनाएंगे पास्ता। तो चिकन देखो यहाँ से पूरा कुक हो चुका है, हमने इसको ना जूसी छोड़ना, एकदम कुक नहीं करना ताकि वो मतलब खाया भी ना जाए, ऐसा नहीं करना, कई लोग इतना कुक कर देते हैं कि चिकन खाया नहीं जाता। अब इसको हम फ्लिप कर देंगे, देखो कितना कितना जूसी लग रहा है, देखो ये देखो गाइस, मेरे से तो वेट ही नहीं हो रहा, मन कर रहा है अभी खा जाऊं। बस अब इसको फ्लिप करके 2 से 3 मिनट और
फिर मेन डिश शुरू। तो गाइस देखिए चिकन ऑलमोस्ट पूरा कुक हो चुका है। अब इसको हमने 90% कुक किया, बाकी हम बाकी पास्ता के साथ साथ ही कुक होगा। तो चलो पास्ता शुरू करते हैं सर, इसको हम साइड में प्लेट में निकाल देते हैं। फिर से करते हैं गैस ऑन और अब इसमें जाएगा सबसे पहले क्या जाएगा, मशरूम। मशरूम को करेंगे सॉटे करेंगे अच्छे से। साथ ही साथ जाएगा ये कॉर्न, इसमें थोड़ा सा पानी है, पानी रहने देंगे इसके अंदर। अब इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है जो इस पास्ता को सबसे ज़्यादा टेस्टी बनाएगा वो है थोड़ा सा मिल्क। थोड़ा सा मतलब ये देखिए थोड़ा सा कितना, जस्ट दिस मच। और थोड़ा सा डाल सकते हैं, अगर आप जितना आपको क्रीमी करना है आप उतना डाल सकते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ अगर आप गेनिंग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत दूध भी चलता है। वैसे डेयरी नहीं खानी चाहिए अगर आप सीरियसली बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस में हैं, तो डेयरी थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन अगर आप प्रॉपर गेनिंग कर रहे हैं या बल्किंग कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत डेयरी चलती है। तो ये आपके पास्ता को क्रीमी बना देगा, जैसे आपने चीज डाला हुआ है। इसमें डाल देंगे चिकन, अब सिम पे थोड़ी देर कुक होने देंगे। मैं थोड़ा सा और मिल्क डालूंगा इसमें, मेरे को क्रीमी कम लग रहा है। बस डन। अब द लास्ट इंग्रेडिएंट, द मैजिकल इंग्रेडिएंट, वो है ओरिगैनो। थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे ऊपर, और डोमिनोज का बचा हुआ चीज फ्लेक थोड़ा सा, जितना आपको स्पाइसी पसंद है उतना हल्का हल्का। सो आपका पास्ता ऑलमोस्ट डन है, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। आप देख सकते हैं क्रीमीनेस भी है हल्की हल्की, और ये देखने में उतना एपेटाइजिंग नहीं लगेगा बाय चांस, किसी को लग रहा हो ना लग रहा हो, लेकिन आई एंश्योर दैट खाने में अच्छा लगेगा और हेल्दी भी है। आप इसको वीक में कम से कम 3 बारी खा सकते हो, 3 से 4 बारी आप इसको कंज्यूम करेंगे तो दिक्कत कोई नहीं आएगी, बल्कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे इसके गेन के, क्योंकि इसमें कार्ब्स भी अच्छे खासे हैं और क्लीन कार्ब्स एकदम, और चिकन भी अच्छा है, प्रोटीन भी अच्छा है, वेजीज भी हैं। आप इसमें ब्रोकली भी डाल सकते हैं, बेल पेपर्स भी डाल सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से, आप कोई भी वेजीज में ऐड कर सकते हैं। सो पास्ता डन है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और
सॉरी, इसके रिजल्ट्स कैसे आपको लगते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।